Hello everyone, myself Professor Dr. Ashish Kumar Singh, Director Buddha Institute of Pharmacy, Greater Gorakhpur. मित्रों, पिछले कुछ दिनों से कई छात्रों ने फार्मेसी के बारे में पूछना चाहा। हर कमेंट का जवाब देना एक जैसा देना संभव नहीं था, इस वजह से आज मैं फार्मेसी के बारे में आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा। फार्मेसी करियर में जो छात्र आना चाहते हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, इस वजह से मैं उसके बारे में आज आपसे डिटेल बात करूंगा। फार्मेसी मुख्यतः दो तरह का कोर्स होता है, बी फॉर्म एंड डी फॉर्म। आइए पहले आपको बैचलर फार्मेसी के बारे में बताता हूं। बैचलर ऑफ फार्मेसी को शॉर्ट में बी फॉर्म बोलते हैं। बी फॉर्म कोर्स 4 साल का होता है। बी फॉर्म की डिग्री प्राप्त करने के बाद से आप मुख्यतः फार्मासिस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ स्ट्रीम में 45% अंकों के साथ अगर आप 10+2 उत्तीर्ण करते हैं तो वो बी फॉर्म के लिए एलिजिबल होता है। इसके अलावा डिप्लोमा इन फार्मेसी यानी शॉर्ट में उसको हम डी फॉर्म बोलते हैं। डी फॉर्म मुख्यतः 2 साल का कोर्स होता है। अगर आप फार्मेसी के फील्ड में ही करियर बनाना चाहते हैं, आपके पास समय का अभाव है, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो आप डी फॉर्म बेस्ट ऑप्शन है। इंडिया में फार्मासिस्ट बनने का मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है। अगर आप वैसे बी फॉर्म कोर्स ज्यादा बेटर होता है, आप अगर डी फॉर्म करने के बाद बी फॉर्म करना चाहते हैं तो आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल सकता है, जिसको हम लेटरल एंट्री बोलते हैं। दोनों कोर्स बी एंड डी करने के बाद से फार्मेसी फील्ड में बहुत सारा जॉब अपॉर्चुनिटी है। आप डिग्री लेने के बाद से, लाइसेंस मिलने के बाद से गवर्नमेंट सेक्टर में फार्मासिस्ट बन सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में फार्मासिस्ट बन सकते हैं। बहुत सारे मेडिकल चैन होते हैं, लाइक अपोलो हॉस्पिटल्स में फार्मासिस्ट की जॉब कर सकते हैं। ग्रेजुएट फार्मासिस्ट यानी बी फॉर्म करने के बाद से फार्मास्यूटिकल कंपनियां भी रिक्रूट करती हैं। उनके यहाँ बहुत सारे विभाग होते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन में टैबलेट, कैप्सूल मैन्युफैक्चरिंग, पेरेंटल मैन्युफैक्चरिंग, इसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल, मार्केटिंग जैसे जॉब ऑफर किए जाते हैं। इसके अलावा आपके जो भी बोर्ड होते हैं, गवर्नमेंट बोर्ड, उसमें आप सिलेक्शन कमेटी में जा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे सिप्ला, रेनबैक्सी, सन फार्मा, कैडिला, इसमें बहुत सारे जॉब ऑफर होते हैं। आज मैंने आपको फार्मेसी फील्ड के बारे में विस्तार से बताया। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में आके मेरे से मिल सकते हैं और जो भी डाउट्स हैं उसको क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद। नमस्कार।